नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे मैरियट में हैं और यहाँ पे MCM की एक ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा है और उस ट्रेनिंग सेमिनार में मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ। उनमें से कुछ खास लोग हैं जिनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ओम त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आप इस नेटसर्फ में कब से और नेटसर्फ की जर्नी आपके लिए कैसी रही? ऐसे तो 2005 से हूँ, लेकिन एक फैसिलिटी है नेटसर्फ का, फैमिली प्रोटेक्शन का, उसके अंदर जो है तो मैं उसके अंदर यहाँ पे 2013 के बाद आया हूँ। अच्छा, मतलब ये बिजनेस जो है मेरे फादर का था। अच्छा। मुझे ये डेली फॉरवर्ड में मिला है आफ्टर 2013। मतलब पिताजी का नाम क्या था? धीरेन्द्र त्रिवेदी जी। मतलब वो इस नेटसर्फ में काम करते थे। जब वो काम करते थे तब आप इन्वॉल्व थे? नहीं, तब मैं इन्वॉल्व नहीं था। एक्चुअली मैं बेसिकली एक IT इंजीनियर हूँ। तो तब आपका सपना क्या था और तब आप नेटसर्फ को क्या देखते थे? मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं था। अच्छा। मेरे लिए सिर्फ यही था कि बेस्ट एजुकेशन जी, आफ्टर एजुकेशन बेस्ट जॉब, एंड जॉब के बाद आपका जो भी नॉर्मल रूटीन रहता है वही था मेरा भी सपना। लेकिन ये कंपनी की कुछ ऐसी खासियत थी जिसने मुझे बदलने पे मजबूर किया जी, और आज मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। जब वो इस स्वर्ग में गए स्वस्थ है, तो उस समय जो पे आउट आ रहे थे वो पहले से सेट थे? नहीं, 60-80 हज़ार रुपये का चल रहा था। मतलब जब आप एंट्री किए, जब संयोग से एक नॉमिनी फैसिलिटी, जब आपके पिताजी थे, मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक अच्छे नेटसर्फ के लीडर थे, और जब वो इस दुनिया से गए ऊपर, तो उसके बाद जस्ट सडनली आपका नाम इस पे आया, तो कितना टाइम लगा? कोई प्रोसेस, कोई फॉर्मेलिटी? क्योंकि एक्चुअली मैं अलग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये फील्ड ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग जी। मुझे 1.5 साल लगा पूरा समझने में, क्योंकि किसी भी घर में कुछ भी, कोई भी अपना जो पापा या कुछ भी रहते हैं जो बिजनेस कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता रहता है ये बिजनेस क्या हो रहा है। जी जी। जैसे आप अगर किसी किसान के बेटे हो, अगर आप किसान नहीं हो फिर भी आपको पता है कि खेती कैसे होती है जी। तो उसी तरह से मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो रहा है, कैसे टीम चला रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, वो कर रहा है। और वैसे भी मैंने MBA किया हुआ है, तो बेसिकली मुझे ये पता था कि भाई कैसे काम करना है, कैसे मैनेज करना है पीपल को। थोड़ा समय लगा, कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग था कि 1.5 साल उन्होंने मुझे ट्रेन किया, और अच्छा। ट्रेन होने के बाद मैं सीधा ये प्लेटफॉर्म पे आ गया। मतलब बिना ट्रेंड हुए जब उस समय आए थे, तो उस समय चेक की साइज क्या थी? 60-80 हज़ार रुपए का था। मतलब 60 हज़ार से आपकी एंट्री हुई? एंट्री हुई है अभी 2.5 लाख गिफ्ट, और वो पापा जी की एंट्री में हुई। पापा जी, अब क्या आ रहा है? अभी 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख 15 दिन का 2-2.5 लाख आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप नेटसर्फ नहीं होते या पिताजी नहीं होते, तो क्या जो एजुकेशन अपन ने ली है अभी 80 हज़ार रुपए पर मंथ? 80 हज़ार रुपए पर मंथ? 2 लाख? ये बहुत बड़ी रकम। 2.5 लाख? बहुत बड़ी रकम। 1 लाख? तो डेफिनेटली बढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि इतना बढ़िया एजुकेशन, MBA वगैरह सब लेने के बाद भी लोग क्यों उस फील्ड में जाना पसंद करते हैं, ऐसा क्या? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि सही प्लेटफॉर्म क्या होता है जी। बेसिकली मैं भी जॉब ही करने वाला था, इंटरव्यू भी दिया, पास आउट हो गया, पैकेज भी ना, लेकिन क्या आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको कंपेयर करना होता है। मैंने भी कंपेयर किया कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है जी जी। हम जैसे भी कुछ भी, कोई भी बंदा है, इसको इतना मिलेगा पैसा, तो वो सोचेगा इसे क्या मिल रहा है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म देखना जरूरी है। 18 साल से कंपनी लीगलिटी स्ट्रांग है, जैसे जैसे आगे जा रहा है तो उसके हिसाब से कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने सब कुछ कंपेयर किया मैनेजमेंट के साथ बैठा, और बाद में समझने के बाद मैं ये प्लेटफॉर्म पे आया, सुना और समझा कि मार्केट में सारी कंपनियां जो चल रही है उसमें ये कंपनी बेस्ट है, इसका प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि जो यहाँ पे ऐसे आया हूँ। मेरे अलावा भी कई लोग हैं जो भी नॉमिनी फैसिलिटी में पैसे कमा रहे हैं। मतलब कई कंपनी में 1-2 किस्से होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। वो देख के भी मैं भी खुद इंकरेज हुआ और यहाँ पे आ गया। बहुत सही, एक भरोसा था। सर, आपका रेफरल कोड क्या है? HATR0002। HATR0002 आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपका पे आउट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी एक जबरदस्त लीडर है। सर, आपका नाम बताएंगे? पिंटू बालदा जी। आप भी नेटसर्फ में? यस। कब से है सर? मैं हूँ 2007 से। अभी क्या पे आउट टोटल हो चुका है? टोटल पे आउट मेरा हो गया 50 लाख। 50 लाख? मतलब अगर ये नहीं होते तो क्या किसी और फील्ड में हो सकता था? मैं पहले जॉब करता था सांगी से मेरे जी जी, वहाँ मेरी 7 हज़ार की सैलरी थी। 7 हज़ार? इस तरह कोई सपने नहीं पूरे हो रहे थे जी जी, बस वही कर रहा था। और आज हर महीने 2 लाख के ऊपर इनकम है। बिल्कुल। आपका रेफरल कोड क्या है? PIBA0008। PIBA0008 आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। सर, आपका नाम? थैंक यू सर। सूरज चौटिया जी जी जी। आप कब से हैं सर? मान लो तो 2008 से है, लेकिन खुद का बिजनेस ट्रैवल्स का था, मैंने पूरा ध्यान भी नहीं दिया। 12 लाख रुपया सैलरी इससे आई,
मुझे कम लग रहा था क्योंकि 3.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट करके मेरा खुद का बिजनेस था। 3.5 करोड़। अच्छा, नेक्स्ट सर में कितना इन्वेस्ट किया? अभी कितना पे होगा? लेकिन ये लास्ट मेरा ये कल जो साइकिल पूरा हुआ 2 लाख। क्या बात है, आप मेरे साथ में आ गए। 2,80,000 प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है? जी कहाँ से है? सूरत से। सूरत से कब से है नेट सर? वैसे तो 7 साल हुआ फुल टाइम। जी जी। अभी कितना पे आउट है सर? अभी 1 लाख का पे आउट है पर मंथ। पर मंथ? पर मंथ। बहुत सही, बहुत सही। मेरा खुद का फैक्ट्री था, 20 लाख का इन्वेस्ट था, सब छोड़ दिया, अभी फुल टाइम करे नेट सर। जी जी जी। बहुत 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 थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। एक मोटिवेशन हुआ कि हम लोगों ने अभी तक अपने कैरियर के लिए जो काम सेट किया हुआ है वो हमारे लिए ही तक सीमित है, पर नेक्स्ट ऐसा है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी और उनकी जिंदगी के बाद भी और उनकी जिंदगी के बाद भी। तो आ जाइए, तैयार क्यों बैठे हैं? ऐसा क्या देख रहे हैं? 70-80 हज़ार में कुछ नहीं हो रहा जब 2 लाख 2.5 लाख, मैं भी 2 लाख कमा रहा हूँ और यहाँ पे कैप अचीवर है हमारे संदेश सर। क्या कहना चाहते हैं सर? नेटसर बिजनेस हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट बिजनेस है और पैसा कमाना है तो नेटसर के अलावा कुछ नहीं है। नेटसर में आना है। अभी रोज की 54,000 की इनकम में आप पहुंच चुके हो चुकी है। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। अरे अर्पण है ना।